अरे सुनाता हूँ भाई, सुनाता हूँ कहानी भी, सुनाता हूँ कहानी सुनोगे? अच्छा सांस ले लूँ थोड़ी सी, बहुत दूर से चल के आ रहा हूँ। अच्छा तो ये बताओ कि कौन सी कहानी सुनोगे? चोर की कहानी। ठीक है, मैं एक ऐसे चोर की कहानी सुनाता हूँ जो सच बोलता था। हुआ ना आश्चर्य? अरे सच बोलने वाले चोर की कहानी। हाँ तो ध्यान से सुनना। एक बार की बात है, एक राज्य में एक चोर रहता था। चोरी करने में भी 100 विपत्तियां हैं। पक पक पर संकट, पकड़े जाने पर दंड का भय। पर क्या करें, नियति ने मेरे भाग्य में यही कर्म लिखा है, तो यही सही है। तो साहस धरूं और अपना कर्म करूं। शासन करना कोई सरल कार्य नहीं है। केवल सिंहासन पर बैठकर न्याय करने से प्रजा का दुख नहीं जाना जा सकता। प्रजा का दुख जानने के लिए उनके बीच जाना होगा। बस इसी प्रयोजन से आज मैं वेश बदल कर प्रजा का हाल जानने निकला हूं। कौन हो तुम? यही प्रश्न मैं तुमसे करना चाहता हूं। तुम कौन हो? मैं एक चोर, चोरी के प्रयोजन से राजमहल जा रहा हूं। तुम कौन हो? मैं भी एक चोर हूँ, चोरी करने निकला हूँ, लेकिन असमंजस में हूँ, कहाँ जाऊँ? तो चलो हम लोग मिलकर राजमहल में चोरी करते हैं, जो भी मिलेगा बांट लेंगे। ठीक है भाई, ये भी सही, एक से भले दो। लो चोर महाराज, आ गया राजभेद। चलो ऊपर चल के राजा के खजाने में हाथ साफ करते हैं। क्या आवश्यकता है मित्र? देखो इस स्तंभ पर 3 हीरे लगे हैं, हमारा काम तो इनसे चल जाएगा। मेरा नियम है कि मैं आवश्यकता से अधिक लालसा नहीं रखता। अरे तुम चोर हो या साधु संत, क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी हो, बस मुनिश्री के आशीर्वाद से कुछ नियमों का पालन कर लेता हूँ। मुनिश्री? हाँ, एक बार जब मैं चोरी करके भाग रहा था, मेरे पीछे सिपाही पड़े थे। मैं बचते बचते जंगल में जा पहुंचा, वहां एक मुनि तपस्या कर रहे थे। मेरे मन को असीम शांति मिली, मुझे मुनिश्री के उपदेशों का धन लाभ मिला। तभी मैंने प्रण किया कि कभी भी असत्य वचन नहीं कहूंगा। तुम चोर हो, सत्य बोलने का परिणाम जानते हो? कर्म करना हमारा कर्तव्य है, परिणाम तो विधि के हाथ। वाह चोर महाराज, आज आपके उपदेशों से मुझे धर्म लाभ प्राप्त हुआ। क्यों उपहास कर रहे हो मित्र? आओ चोरी कर कार्य समाप्त करें। जो आज्ञा चोर महाराज। एक काम करो, तुम चलकर चोरी कर लो। नहीं नहीं, मैं अभी नया हूं, तुम ही चल के निकाल लो। ठीक है। ये क्या मित्र, एक हीरा क्यों छोड़ दिया? इसे भी निकाल लेते। 3 रत्न निकालने में उसे बांटने में समस्या होती, और ये वैसे भी एक एक रत्न हम दोनों के लिए पर्याप्त है। अधिक की लालसा करके क्या करना है, जब आवश्यकता होगी तब चुरा लेंगे। वाह भाई वाह, कितने ईमानदार चोर हो। तुमसे ईमानदार चोर मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा। अब चलो मित्र,
भोर होने वाली, ये लो अपना हिस्सा। क्या हमारे राजमहल में चोरी? हमारे राज्य में ऐसा कौन दुस्साहसी है जिसने हमारे महल में चोरी की है? महामंत्री जी महाराज, आज सूर्यास्त से पहले उस दुस्साहसी चोर को हमारे समक्ष प्रस्तुत करो, अन्यथा सारे सुरक्षा कर्मी दंड के भागीदार होंगे। जो आज्ञा महाराज। सेनापति, जयद्वत नामक उस प्रसिद्ध चोर को तुरंत बंदी बनाकर लाओ। हमारे राज्य में ऐसा दुस्साहस वही कर सकता है। जो आज्ञा मंत्री जी। कल रात के चोरी के हीरे से आज का सौदा तो खरीद लेता हूं, कल की कल देख। क्या कह रहे हो भाई, राजमहल में चोरी? हाँ भाई, महाराज बड़े क्रोधित हो रहे थे। उन्होंने आदेश दिया है कि चोर को सूर्यास्त होने से पहले नहीं पकड़ा गया तो सभी सुरक्षा कर्मी राजदंड के पात्र होंगे। यह तो बहुत बड़ी समस्या है। हाँ, भाई। चलो चलो तो भाई चलो। फिर क्या मंत्री जी ने तुरंत जयदेव को पकड़ने का आदेश दिया है? कौन जयदेव? वही प्रसिद्ध चोर जो पलक झपकते ही माल साफ कर देता है। हाँ वही, राजा के सिपाही से खोज रहे हैं। फिर तो उसे मृत्यु दंड मिलना तय है। राजमहल में चोरी बहुत बड़ी बात होती है भैया। कहाँ है जयद्वज? जी वो बाजार में। क्यों? कल इन्होंने राजमहल में एक रत्न की चोरी की है, वो उसे बेचने गए। आप यहाँ विश्राम कीजिए, वो आते ही होंगे। जब तक मैं आपके जलपान की व्यवस्था करती हूँ। कैसी स्त्री हो तुम? हम तुम्हारे पति को पकड़ने आए हैं और तुम सत्य वचन के आगे हमें विश्राम करने का कहती हो? जी मैं और मेरे पति ने सत्य वचन कहने का नियम लिया है। वो देखिए मेरे पति आ गए। नमस्ते सेनापति जी। क्षमा करें सेनापति जी, आपको आने में कष्ट हुआ, अब चलिए मैं प्रस्तुत हूँ। कैसा मूर्ख चोर निकला, दो रत्न निकाल लिए, एक शेष छोड़ गया। शायद मेरे लिए उपहार स्वरूप छोड़कर गया है। चलू, सूर्यास्त से पूर्व राज दरबार पहुंचना है। तुम्हें अपना अपराध स्वीकार है जयद्वज? हाँ महाराज, मैंने राजमहल में से दो रत्नों की चोरी की थी। दो रत्न? तूने तीन रत्न चुराए हैं। नहीं महाराज, चोर अवश्य फिर तो अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप ही चोरी करता हूँ। महाराज
उस रात चोरी में मेरे साथ एक चोर और था। मैंने दो रत्नों में से एक रत्न उसे दे दिया था। कहाँ है वो दूसरा चोर? मैं नहीं जानता महाराज, वो तो अपना हिस्सा लेकर चला गया। महाराज आप इसकी बातों पर विश्वास ना करें, ये मनगढ़ंत कहानियां बनाकर हम लोगों को बहला रहा है। वो घोड़े लगवाइए महाराज, सब सच सच बोलने लगेगा। महाराज आप चाहे मुझे कोड़े लगवाए या प्राण दंड दे दें, लेकिन मैं सत्य कहता हूँ, उस रात मैंने केवल दो ही रत्न चुराए थे। उनमें से एक रत्न मेरे पास, ये रहा वो रत्न। यही वो वस्त्र है जो उस रात उस चोर ने धारण किए थे? हाँ हाँ, यही तो पहना था। और ये रहा वो दूसरा रत्न जो मैंने चुराया था। ये रहा, ये चोर कभी असत्य वचन नहीं कहता। इसके साहस, वीरता और ईमानदारी का मैं स्वयं साक्षी हूं। क्यों चोर महाराज, कैसी रही? महाराज हाँ, वो दूसरा चोर मैं ही। अपनी प्रजा का हाल जानने मैं ही छद्मवेश में निकला था। और उस तीसरे चोर के बारे में भी मुझे जानकारी है मंत्री। कहिए क्या दंड दिया जाए उसे? महाराज वो मूर्ख है, अधर्मी। महाराज उसे क्षमा कर दीजिए महाराज। तो ठीक है मंत्री जी, आज से मैं तुम्हें मंत्री पद से मुक्त करता हूँ। महाराज तुम जैसे लोभी लंपट और लालची लोगों की हमारे राज्य में कतई जरूरत नहीं है। हमारे राज्य को जरूरत है जयध्वज जैसे ईमानदार, निष्ठावान और सत्यवान लोगों की। जयध्वज आज से मैं तुम्हें अपना मंत्री नियुक्त करता हूँ। प्रकार राजा ने चोर को मंत्री बना दिया। समझ में आई? इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? नहीं पता लगा? अरे इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि आदमी को जीवन में हमेशा सच बोलना चाहिए।